आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इन कॉम्प्टन इफेक्ट 1922 एंड 1923 के अंदर कॉम्प्टन ने यह ऑब्जर्व किया जब कोई एक्सरे मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, मैटर कुछ भी हो सकता है, मींस कॉम्प्टन के अकॉर्डिंग जब एक्सरे किसी मैटर या किसी टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगी, जो कॉम्प्टन ने टारगेट लिया वो कोई मेटल का टारगेट था, क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स होते हैं। जो इन्होंने टारगेट को सिलेक्ट किया वो जो टारगेट था वो ग्रेफाइट का टारगेट था, मींस जब एक्सरे इस ग्रेफाइट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो ग्रेफाइट के किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ग्रेफाइट के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगी। मींस एक्सरे फोटोन व्हेन इंटरेक्ट विद द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द ग्रेफाइट। तो इस ईयर के अंदर कॉम्प्टन ने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट के अंदर है इस टारगेट के अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की कंप्लीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन कुछ पार्शियल एनर्जी को ये फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के लिए सफिशियंट है इस टारगेट से इजेक्ट आउट होने के लिए। जैसा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की कंप्लीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कॉम्प्टन ने 1922-23 के अंदर क्या ऑब्जर्व किया, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की कंप्लीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसकी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके इजेक्ट आउट कर जाएगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस इंसिडेंट फोटोन की। और कितनी डायरेक्ट कितने एंगल के ऊपर वो इजेक्ट कर गया, थीटा एंगल के ऊपर, जो ये इंसिडेंट डायरेक्शन थी इस फोटोन की, और किसी वेलोसिटी वी से मूव कर गया इस वेलोसिटी के अंदर। और जो बाकी एनर्जी बच गई वो एनर्जी कॉम्प्टन ने क्या देखा, कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ए स्कैटर्ड फोटोन एंड दैट इज टू बी स्कैटर्ड एट एंगल फाई, एंड हुज एनर्जी, सपोज करो इसकी एनर्जी हमने माना दैट इज इक्वल टू ई डैश, और ये क्या है, दैट इज इक्वल टू एच न्यू डैश है, और ये कौन है, दैट इज ए स्कैटर्ड फोटोन है। कॉम्प्टन के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट फोटोन है जिसकी एनर्जी हमने कितना माना, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये म्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन है। कितनी एनर्जी है इसकी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन केवल 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब करता है, जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए सफिशियंट है इस मेटल के टारगेट से इजेक्ट आउट होने के लिए। मींस ये फ्री इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करेगा और उस वर्क को उस फोर्स के अगेंस्ट यूटिलाइज करेगा जो इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से बाहर नहीं आने दे रहा। अब बाकी जो एनर्जी बच गई वो कितनी बची, दैट 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची। वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किसकी फॉर्म में निकल के आई, स्कैटर्ड फोटोन की फॉर्म में निकल के आई। मीन स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इस केस में कितनी बची, दैट इज इक्वल टू 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कॉम्प्टन ने क्या ऑब्जर्व किया, इस स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से क्या है, कम है। मींस एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज टू बी लेस देन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इसका मतलब एनर्जी अगर कम है तो इस स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी हमने माना है म्यू डैश है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, कम होगी। और हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जानते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कम कब आएगी, जब वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। इसका मतलब कॉम्पटन ने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ जो है हमने माना लैम्डा डैश है, ये जो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है, ये जो स्कैटर्ड इस स्कैटर्ड फोटोन की जो ये वाली वेवलेंथ है, ये वाली वेवलेंथ है, और ये वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा डैश है। यहां से इस इंसिडेंट फोटोन की ये वाली वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। तो कॉम्पटन ने क्या ऑब्जर्व किया, वेवलेंथ ऑफ दैट स्कैटर्ड फोटोन, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और इस चीज को प्रूव करने के लिए कॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो जो एक्सपेरिमेंट था वो एक कोलिजन का एक्सपेरिमेंट था। और कोलिजन किसके बीच में था, दो पार्टिकल्स के बीच में था, एक तो एक्सरे फोटोन के बीच में था और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में था। मींस उन्होंने कोलिजन एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया, एंड दैट कोलिजन एक्सपेरिमेंट बिटवीन द टू पार्टिकल, वन इज एक्सरे फोटोन एंड अदर वन इज द फ्री पार्टिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये इन दोनों के बीच में जो कोलिजन था ये कैसा था, एक इलास्टिक कोलिजन था। और इलास्टिक कोलिजन क्या कहता है, इस कोलिजन से पहले जो इस सिस्टम की एनर्जी और मोमेंटम है, और इस कोलिजन के बाद जो इस सिस्टम की एनर्जी और मोमेंटम रहेगी वो क्या होगा, कंजर्व्ड होंगी। इसका मतलब एनर्जी एंड मोमेंटम बिफोर द कोलिजन ऑफ दैट सिस्टम एंड एनर्जी एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन रिमेन द सेम, सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। ये कोलिजन अगर इलास्टिक होगा तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो उन्होंने क्या निकाला, वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इसका मतलब इन दोनों की वेवलेंथ में क्या आएगा, कोई चेंज आएगा, और वो चेंज कितना आएगा, लैम्डा। मेरे को पता है स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ बड़ी है एंड इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कम है, तो वो कितना आएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। इसको क्या बोला उन्होंने, इंक्रीज इन द वेवलेंथ। और ये इस इंक्रीज इन द वेवलेंथ को क्या बोल कहा उन्होंने, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पटन शिफ्ट। और ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में निकाला था, और ये कितनी निकल के आई थी, एच अपॉन एम नोट सी इंटू वन माइनस कोस ऑफ फाइव। इसको हम अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट में स्टडी कर चुके हैं। इसका मैं लिंक अपनी सजेस्टेड वीडियो के अंदर डाल रहा हूं। तो आज मेरे को जो प्रूव करना है, जो एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन की फाइंड आउट करनी है, इसके बीच में और इस एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज को प्रूव निकालने के लिए हम अपने कहां से चलेंगे, इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन दैट इज टू बी कम्स आउट। हमने यहां से लिया, यहां से हम चलेंगे, और यहां से ले चलने के बाद हम निकालने की कोशिश करेंगे इस चीज को। तो हमने यहां से इस आर्टिकल को लिया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी इंटू वन माइनस कोस ऑफ फाइव। फ्रीक्वेंसी में जानता हूं दैट इज इक्वल टू दैट सी अपॉन लैम्डा होती है, तो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा डैश।
यहां से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली, दैट कम्स आउट टू बी सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहां से हमने लैम्डा डैश की वैल्यू को निकाला, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी डैश। इन दोनों की वैल्यू जब हमने इस क्वांटिटी में पुट की तो क्या बनी, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी माइनस सी अपॉन दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कोस ऑफ फाई। ये इक्वेशन बन के आई। मैंने सी को कॉमन निकाल लिया, सी को कॉमन निकाल लिया तो यहां से ये बन गया मेरे पास वन ओवर म्यू डैश माइनस वन ओवर म्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कोस ऑफ फाई। इस सी को मैं यहां से हटा रहा हूं और राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं तो डिवाइड करूंगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहां से एलसीएम लिया तो एलसीएम लिया तो ये क्या बना, म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू इंटू म्यू डैश इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस ऑफ फाई। ये बना मेरे पास। तो यहां से हमने आगे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले आया, इस फैक्टर के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा, म्यू माइनस म्यू डैश अब इज इक्वल टू एच, ये वाला फैक्टर इसके साथ आएगा तो मल्टीप्लाई में कर दूंगा म्यू इंटू म्यू डैश अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस ऑफ फाई। अब यहां से इस इक्वेशन को सपोज करो मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर वन। इस इक्वेशन को दोनों साइड से मैंने, इस इक्वेशन को बोथ साइड से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एच से, मल्टीप्लाई बाय एच ऑन इक्वेशन वन, मल्टीप्लाई बाय एच टू इक्वेशन नंबर वन ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिला, हमने ये देखा जब इसको मल्टीप्लाई किया, मैं दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एच से इसको मल्टीप्लाई किया तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, जब इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो इस क्वांटिटी को तो मैंने एक फैक्टर के रूप में लिख लिया और एक एच को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, एच न्यू इंटू एच न्यू डैश अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस ऑफ फाइव। और हमारे पास यहां पे E इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू, हमें पता है यहां से E इज इक्वल टू एच न्यू दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। एंड E डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। ये है मेरे पास। जब मैंने ये पुट किया तो ये क्या बना, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ई माइनस ई डैश इज इक्वल टू, ये मेरे पास ई बना, ये मेरे पास ई डैश बना इंटू वन माइनस कोस ऑफ फाई अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ये बना। यहां से अगर मैंने इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई किया तो मैंने इस E डैश को इधर ले गया तो मेरे पास क्या बना, E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू E डैश प्लस E इंटू E डैश अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस ऑफ फाई, ये बना। इन दोनों इक्वेशन, क्योंकि मेरे को तो किसकी एनर्जी निकालनी है, स्कैटर फोटोन की निकालनी है तो मेरे को ई डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ई डैश को इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया और मेरे पास ये कॉमन जब निकाला तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास ई इज इक्वल टू ई डैश को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया यहां पे तो वन प्लस, यहां से ई डैश को मैंने निकाल लिया बाहर तो ई अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस ऑफ फाइव, ये बचा मेरे पास। यहां से मैं जानता हूं ई क्या है, एनर्जी ऑफ द स्कैटर फोटोन, तो मैंने ई डैश की वैल्यू को निकाला तो ई डैश इज इक्वल टू ई, इस फैक्टर को मैं इसके नीचे ले आया, डिवाइड कर दिया मैंने ई अपॉन वन प्लस ई अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस ऑफ फाइव, ये बना मेरे पास। जब मैंने इस इक्वेशन को यहां पे E इज इक्वल टू, सिर्फ यहां पे मैंने E किसकी है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, तो इसको क्या लिख सकता हूं, म्यू
एक स्टेप मैंने यहां पे कम कर दिया है, तो ई डैश इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, ई अपॉन वन प्लस म्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, सी अपॉन लेमडा, और एक सी इसको लिखूंगा एच सी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू लेमडा, तो ये सी से एक सी कट जाएगा और यहां पे क्या बच गया मेरे पास, वन माइनस कोस ऑफ फाइव। और मैंने इस पूरे फैक्टर को, क्योंकि यहां पे ये सारी चीज क्या चीज है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा वेवलेंथ ऑफ दैट एक्सरे, दैट इज ए कॉन्स्टेंट एवरीथिंग, तो हमने इसको एक कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया, दैट इज इक्वल टू एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एच अपॉन एम नॉट सी इंटू लेमडा, और विच इज बींग ए पॉजिटिव क्वांटिटी, वो क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, हमें पता है, क्योंकि जब मैं इन सब की वैल्यू पुट करूंगा तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां पे जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास ये क्या बना, ये यहां पे मैंने इसकी वैल्यू को लिखा तो ये क्या बना मेरे पास, दैट इज इक्वल टू यहां पे ई डैश, दैट इज एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज इक्वल टू ई एनर्जी, ये एनर्जी इंसिडेंट फोटोन है, प्लस वन प्लस एल्फा इंटू वन माइनस कोस ऑफ फाइव। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस एल्फा इज वन माइनस कोस फाइव, दैट इज इक्वल टू टू साइन स्केयर फाइव बाई टू, हम जानते हैं फार्मूला, तो ये क्या बन गया, साइन स्केयर फाइव बाई टू। तो ये मेरे पास किसकी टर्म में आ गई, एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन की आ गई, किसकी टर्म में आ गई, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन की टर्म में आ गई। अब मेरे को स्टडी करना है कि इस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, अगर स्कैटरिंग होती है तो, अगर स्कैटरिंग नहीं होती है तो। इसका मतलब ये इक्वेशन सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई के ऊपर। तो हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को स्टडी किया, तो फर्स्ट जो कंडीशंस को मैंने लिया उस कंडीशंस को स्टडी करने की कोशिश किया हमने, यहां से अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं इस सब को यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें, मैं इनको मिटा रहा हूं यहां से, ये एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन की है ई डैश है, मैं इसको सिर्फ क्या लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू ई डैश, एनर्जी ऑफ दैट स्कैटर्ड फोटोन इज इक्वल टू ई डैश, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है म्यू डैश है, दैट इज वेवलेंथ क्या है इसकी लैम्डा डैश है। फर्स्ट कंडीशन लगाई, इफ दैट स्कैटरिंग एंगल फाई, इफ फाई इज इक्वल टू जीरो, देन हेयर साइन फाई, साइन फाइव बाई टू मीन्स साइन जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन जीरो इज जीरो। इसका मतलब मैं जब इस साइन जीरो की वैल्यू पुट करूंगा तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन की जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, ई के बराबर आएगी। मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है इस कंडीशन के ऊपर, एनर्जी ऑफ द, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मीन्स देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, कोई चेंज नहीं हुआ किसकी एनर्जी में, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी में, किस कंडीशंस के ऊपर, अगर ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई क्या है, जीरो है, इसका मतलब फोटोन गोज अनस्कैटर्ड, फोटोन का क्या नहीं हो रहा, स्कैटरिंग नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में इसकी जो एनर्जी आएगी वो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगी, जो इसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की थी वो इस कंडीशन पे डायरेक्टली ऐसे प्रोपगेट किया, तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ दैट इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ दैट स्कैटर्ड फोटोन एंड दैट कंडीशन। हमने सेकेंड कंडीशन को स्टडी किया, इफ फाइ इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो साइन यहां पे मैं जब पाई बाई टू लिखूंगा तो पर नीचे टू था तो क्या कंडीशन बन गई, पाई बाई फोर, एंड साइन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन अंडर रूट टू।
और साइन स्क्वेयर की वैल्यू क्या बनेगी, साइन स्क्वेयर पाई बाई फोर दैट इज इक्वल टू वन बाई टू। जब यहां पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या कंडीशन बनेगी, हमने एनर्जी ऑफ द ये ई की वैल्यू निकाला तो ई डैश की वैल्यू जो बनी, ई डैश इज इक्वल टू इस केस के अंदर जो बनेगा, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, तो ई डैश जो बनेगा मेरे पास इस कंडीशन में, ई डैश इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी ई अपॉन वन प्लस टू इंटू अल्फा इंटू इसकी वैल्यू वन बाई टू आ गई। तो ये क्या कंडीशन आ गई, ई अपॉन वन प्लस अल्फा, ये इससे कट जाएगा। फर्स्ट कंडीशन पे क्या था, इफ फाई इज इक्वल टू जीरो देन ई डैश इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी ई, ये कंडीशन फर्स्ट थी मेरे पास। सेकंड कंडीशन क्या आ गई, एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, क्या कंडीशन है, इफ अगर ये वाला स्कैटरिंग एंगल इस इंसिडेंट फोटोन की जो ये डायरेक्शन थी, कैसे प्रोपोगेट करे 90 डिग्री के ऊपर प्रोपोगेट करे, ऐसे प्रोपोगेट करे, मींस ये फोटोन कैसे प्रोपोगेट करे, ऐसे प्रोपोगेट करे। ये जो स्कैटर्ड फोटोन है, इफ दैट इज टू बी गेट स्कैटर्ड एट ए एंगल पाई बाई टू, मीन्स द फोटोन इज टू बी गेट स्कैटर्ड एट ए एंगल पाई बाई टू, देन इन सच ए केस एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज टू बी कम्स आउट टू बी दिस। और यहां पे क्या देखा हमने कंक्लूजन को, जो ये स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है, स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, ये क्या चीज है, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी ऑफ, किसकी एनर्जी है ये, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, वन प्लस अल्फा, इस फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूं, और अल्फा यहां पे क्या चीज, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इस फैक्टर की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, समथिंग। अगर अल्फा की वैल्यू मैं मान रहा हूं 0.5 आ रही है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 1.5 बनेगी। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू इस केस में कितनी बन जाएगी, 1.5। और जब 1.5 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, एच न्यू को डिवाइड करूंगा, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को डिवाइड करूंगा, तो स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी बनेगी वो क्या कम बनेगी, कम बनेगी। इसका मतलब व्हेन फोटोन इज टू बी गेट स्कैटर्ड एंड मूव्स एट ए राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ दैट इंसिडेंट फोटोन एंड एनर्जी ऑफ दैट स्कैटर्ड फोटोन इज टू बी कम्स आउट, ई डैश इज इक्वल टू कम्स आउट, इसकी कितनी आएगी, ई अपॉन 1 प्लस अल्फा, एंड हुज वैल्यू इज टू बी लेस देन दैट इंसिडेंट फोटोन, कम होगी। अब हमने नेक्स्ट कंडीशन को स्टडी किया, तो नेक्स्ट कंडीशन को जब मैंने स्टडी किया तो यहां से मैंने देखा कि मैंने एक कंडीशन और इंप्लीमेंट की, अगर मेरे पास फाइ एंगल कितना है, फाइ स्कैटरिंग एंगल इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू पाई, इस केस में जब मैं इसकी वैल्यू लूंगा यहां पर, जो हमारे केस में एनर्जी कितनी आई थी स्कैटर्ड फोटोन की और उसकी, दैट इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू कितनी आई हमारे पास, ई अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा इंटू साइन स्केयर फाइव बाई टू ये आई है। तो यहां पे अगर फाइव पाई है तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी बनेगी, इस केस में पुट करूंगा मैं यहां पे तो साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस केस में जो एनर्जी आएगी स्कैटर्ड फोटोन, इस फैक्टर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, और एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी इस केस में, स्कैटर्ड फोटोन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा। इसका मतलब ये जो स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है इस केस में, मीन इस केस में क्या हो गई, स्कैटर्ड फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गई, ये एनर्जी ऑफ दैट स्कैटर्ड फोटोन ई डैश इज इक्वल टू इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ किसके क्या हो गई यहां पे, क्या हो गई यहां पे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ये मेरे पास ये है, और डिवाइड ये किससे हो रही है, 1 प्लस 2 अल्फा से। इसका मतलब अल्फा तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू जैसे मैंने इस केस में 0.5 ली थी, तो इस केस में तो ये टोटल वैल्यू कितनी बनी थी, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.5 बनी थी,
1.5 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी इसकी स्कैटर्ड फोटोन की। अगर यहां पे मैं 1.5 ले रहा हूं तो ये कितनी बनेगी, दैट इज इक्वल टू, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करो दैट इज इक्वल टू 1 + 2 × 1.5, और ये कितनी बन गई इस केस में 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 2 हो गई। इसका मतलब यहां पे जो डिवाइडर है वो 2 हो गया, लेकिन इस केस में 1.5 था। अगर डिवाइडर बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, डिवाइड करने वाली चीज बढ़ेगी तो ऊपर टोटल क्या आएगा, अगर नीचे वाला फैक्टर बड़ा है तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, कम आएगी। तो इस केस में एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन क्या हो गई, और भी ज्यादा कम हो गई। तो इस केस में जो निकल के आई एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन कम्स आउट टू बी दिस, ये किस कंडीशन पे आई, अगर ये स्कैटरिंग एंगल कितना है स्कैटर्ड फोटोन का पाई, इसका मतलब ये एंगल कितना बन जाए, टोटल एंगल इतना बन जाए। इसका मतलब इस केस में क्या कंडीशन आएगी, ये फोटोन क्या हो, फोटोन रिवर्स इट्स डायरेक्शन। क्या करेगा फोटोन, रिवर्स इट्स डायरेक्शन करेगा, एंड हुज एनर्जी इज टू बी लेस देन दैट इंसिडेंट फोटोन बाय को कितने फैक्टर से, 1/(1+2α) इस फैक्टर से इसकी एनर्जी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने क्या कंडीशंस को देखा है, इस केस में जो एनर्जी आ रही है इंसिडेंट फोटोन एंड स्कैटर फोटोन की बराबर आ रही है। अब जब इस केस में तो फोटोन क्या नहीं हो रहा, स्कैटर्ड नहीं हो रहा। अगर फोटोन स्कैटर्ड हुआ पाई एंगल के ऊपर तो एनर्जी में चेंज डिक्रीज इतना हुआ, किस फैक्टर से हुआ, इसमें स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी का डिक्रीज हुआ इंसिडेंट फोटोन से, किस फैक्टर से, 1 + 1/(1+α) से, और इस फैक्टर में किस फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, 1/(1+2α) से। तो कौन सा ज्यादा डिक्रीज होगा, ये वाला फैक्टर ज्यादा डिक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर फोटोन रिवर्स इट्स डायरेक्शन करेगा, किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ ए इंसिडेंट फोटोन से, सो एनर्जी ऑफ दैट स्कैटर्ड फोटोन इज टू बी लेस देन द एनर्जी ऑफ दैट इंसिडेंट फोटोन। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, फाई की डायरेक्शन में आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्कैटर्ड फोटोन, एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन्स। इफ यू लाइक माई दिस लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू टू वन एंड ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल। थैंक यू।